देश को आज़ादी दिलाने में कई क्रांतिकारियों का अहम योगदान रहा है। आप देख रहे हैं KR न्यूज लाइव का विशेष खबर। भारत की आज़ादी के लिए उन्होंने अपनी जानों की कुर्बानी दी, अपनी परिवार को छोड़ा और युवा अवस्था में उन्होंने अंग्रेजों की हत्या की कुल्हाड़ी से। बिहार सरकार खुद आए थे और यहाँ स्टैचू का अनावरण किए। देश को आज़ादी दिलाने में कई क्रांतिकारियों का अहम योगदान रहा है, जिसमें बाबू वीर कुंवर सिंह, महाराणा प्रताप, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, ऐसे कई नाम हैं जो देश को आज़ादी दिलाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नमस्कार, मैं हूं बलराम सर्राफ। आप देख रहे हैं KR न्यूज लाइव का विशेष खबर। हम 26 जनवरी गणतंत्र दिवस, जो 74वां गणतंत्र दिवस देश मना रहा है, उसकी हार्दिक शुभकामनाएं व्यक्त कर रहे हैं अपने चैनल की ओर से। हम अपने सभी जो हमारे पाठक हैं, जो हमारे विज्ञापन दाता हैं, उनको हम शुभकामनाएं प्रेषित कर रहे हैं। मैं डॉक्टर निरंजन कुमार जायसवाल, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र राजनगर, 26 जनवरी के शुभ अवसर पर मैं तमाम राजनगर वासियों को हार्दिक बधाई देता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज KR न्यूज लैब को फॉलो जरूर करें। मैं राम अधीन राय, मुखिया प्रतिनिधि ग्राम पंचायत राज पटवारा उत्तरी, गणतंत्र दिवस के अवसर पर मैं अपने जिलावासी एवं पंचायतवासी को शुभकामनाएं देता हूँ। हमने आपको बताया कि कई देश के जो वीर जवान थे, स्वाधीनता सेनानी थे, जिन्होंने देश की आज़ादी में अपनी अहम भूमिका निभाई। इस समय हम पहुँचे हैं मधुबनी जिला के खोटोना प्रखंड के दुर्गीपट्टी पंचायत, और दुर्गीपट्टी पंचायत में रामपन मंडल स्वाधीनता सेनानी के विषय में हम बात कर रहे हैं। उनका क्या योगदान रहा देश को आज़ाद कराने में, उनकी क्या भूमिका रही और क्यों दुर्गीपट्टी में झंझारपुर के सांसद के पहल पे रामपन मंडल जी का मूर्ति का अनावरण किया गया, सारी बात हम आपको बताते हैं। अगर पहली बार आप KR न्यूज लाइव चैनल पर आए हों तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम प्रदीप कुमार झा, मुखिया प्रतिनिधि ग्राम पंचायत राज सिविपट्टी प्रखंड राजनगर, समस्त जिलावासी के 26 जनवरी और बसंत पंचमी के हार्दिक शुभकामना दी। जो नारा था करो या मरो, उसकी आवाज़ बिहार के हर जिला में पहुंची थी, और एक जिला जो सीतामढ़ी है, सीतामढ़ी में भी करो या मरो की आवाज़ पहुंची थी। जो भारत माता के जो वीर सपूत हैं, भारत माता के वीर सपूत स्वाधीनता सेनानी अमर शहीद रामपन मंडल, रामपन मंडल की जो गाथा है, उस गाथा के बारे में आपको हम बता रहे हैं, उनकी जो जीवनी रही है उसको लेके बता रहे हैं। नमस्कार, मैं गुंजन पटेल। तमाम प्रखंड वासियों को मेरी तरफ से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरे यहाँ उच्चतम गुणवत्ता वाले ईंट के लिए संपर्क करें। पता है हमारा घर एकम्मा, पोस्ट गंगौर, थाना राजनगर, जिला मधुबनी। उनका जन्म हुआ था 6 अगस्त 1924 ईस्वी को सीतामढ़ी जिले के बाजपट्टी थाना के मधुरापुर, जो धानुक टोल है, वहाँ हुआ था। उनके पिता का नाम गोकुल मंडल एवं माता का नाम गरीबी देवी था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा सठवारा गांव के चलंत प्राथमिक विद्यालय में हुई थी। उनके भाई का नाम क्रमशः रामशरण मंडल, महंत मंडल एवं मिश्री मंडल था। कृषि कार्य, पशुपालन तथा पशुओं की खरीद बिक्री परिवार के आय का मुख्य स्रोत था। वे बचपन से ही अखाड़ा पर नियमित कुश्ती खेलते थे, इलाके के नामी गिरामी पहलवान हुआ करते थे। अति काले घुंघराले बाल, सौम्य आकर्षक सुडौल शरीर एवं मृदुभाषी थे वो। वे लाठी भाजने में माहिर थे। जब कोई उनसे पूछता यह क्या है तो उनका जवाब होता कि यह लाठी नहीं, बंदूक है। क्रांतिकारी का वही जवाब था, क्रांतिकारी के पास संसाधन नहीं होता था, जो संसाधन उनके पास उपलब्ध होता था उसी से अंग्रेजों से वो लोहा लेते थे, इसी से अंग्रेजों को मार भगाऊंगा, उनका कहना था। 16 वर्ष की जो उम्र में रुन्नी सैदपुर, जो सीतामढ़ी जिले में है, थाना के गंगवारा में अमीन मंडल की पुत्री जगपतिया देवी के साथ विवाह हुआ उनका। रामपन मंडल का गांव मधुरापुर क्रांतिकारियों का
शरण स्थली था। इसी गांव में आजाद हिंद फौज का गुप्त कार्यालय भी था। मैं गंगाई ठाकुर, मुखिया करहिया पश्चिमी पंचायत के समस्त पंचायत वासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामना देता हूँ। मैं संजय सिंह, पंचायत समिति सदस्य इंदो देवी, प्रतिनिधि करहिया पश्चिमी पंचायत प्रखंड राजनगर, आप सभी प्रखंड वासियों को गणतंत्र दिवस की ढेर सारे शुभकामनाएं देता हूं। आपको मालूम होगा कि आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक नेताजी सुभाष चंद्र बोस रहे हैं और उनका गुप्त कार्यालय आज़ाद हिंद फौज वो था उनके गांव में, जहां पर लाठी भाजने, बम एवं पिस्तौल बनाने एवं चलाने तथा गुरिल्ला युद्ध की ट्रेनिंग भी दी जाती थी। गांव के प्रमुख आंदोलनकारी बिंदुश्री प्रसाद के नेतृत्व में बैठक हुई, जिसमें रामफल मंडल को गांव का नायक बनाया गया। महात्मा गांधी द्वारा करो या मरो के साथ अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा का प्रभाव सीतामढ़ी के बाजपट्टी में जब पहुंचा, क्रांतिकारी अंग्रेजी कपड़े को जलाने लगे। अंग्रेज पदाधिकारियों एवं जिले के तत्कालीन पुपड़ी थाना क्षेत्र के दारोगा अर्जुन सिंह थे, वह काफ़ी क्रूर इंसान थे। आंदोलनकारियों एवं आम जनता को तंग और तबाह एवं यातनाएं दिया करते थे। बैठक में अर्जुन सिंह दरोगा को मारने की योजना बनाई गई। जो क्रांतिकारी थे उन्होंने बैठक किया, बैठक में अंग्रेजी दरोगा जो क्रांतिकारी जो थे उनको मारने का योजना बनाए। 24 अगस्त 1942 ईस्वी को बाजपट्टी चौक पर, सीतामढ़ी के बाजपट्टी चौक पर आंदोलनकारी अपने अपने परंपरागत जो हथियार उनके साथ था उजुटे। जानकारी होते ही दुर्भाग्य से अर्जुन सिंह की जगह सीतामढ़ी के तत्कालीन अनुमंडल पदाधिकारी हरदीप नारायण सिंह जीप से वहां पहुंचे। जीप पहुंचते ही आंदोलनकारी ने उसे घेर लिया। पुलिस ने हवाई फायरिंग कर प्रारंभ कर दिया। इसी बीच प्लानिंग के अनुसार सीटी बजाते ही रामफल मंडल ने SDO हरदीप नारायण सिंह के गर्दन पर फरसा से वार कर दिया। देखिए भारत माता के वीर शहीद जो रामफल मंडल हैं, उन्होंने तत्कालीन SDO हरदीप नारायण सिंह के गर्दन पर फरसा से वार कर दिया। वार इतना तगड़ा था कि छपा की आवाज़ के साथ ही गर्दन कट के नीचे गिर गई। खून के फवारे देखते ही क्रांतिकारियों का जोश और बढ़ गया। आंदोलनकारियों ने पुलिस इंस्पेक्टर, हवलदार, चपरासी को भी परंपरागत हथियारों से मौत की नींद सुला दिया, जिसको बगल के अधवारा नदी में जय हिंद के नारे के साथ विसर्जित भी कर दिया गया। जीप का चालक आदित्य राम भीड़ का फायदा उठाते हुए भागने में सफल रहा। सीतामढ़ी पहुंचा, जहां सीतामढ़ी कोर्ट में बाद संख्या 473/1942 के तहत रामफल मंडल, हरिहर प्रसाद, कपिलदेव सिंह सहित 56 लोगों को नामजद करते हुए अज्ञात 4000 लोगों पर अंग्रेजों द्वारा मुकदमा दायर किया गया। उक्त घटना के बाद रामफल मंडल एवं अन्य क्रांतिकारी के घर अंग्रेजी पुलिस द्वारा आग लगा दिया गया। रामफल मंडल अपने गर्भवती पत्नी को लेकर नेपाल के लक्ष्मीनिया गांव पहुंचे, अपने भाई के ससुराल में, जहां उन्हें एक पुत्र रत्न की प्राप्ति भी हुई, जो कुछ दिन के बाद काल कल्पित हो गया। ससुराल के लोगों द्वारा वापस नहीं जाने के बार बार अनुरोध पर ससुराल के लोगों द्वारा रामफल मंडल को कहा जाता था कि अंग्रेज का तांडव भारत में ज़्यादा है, बिहार में ज़्यादा है, आप मत जाइए, आप नेपाल में ही रहिए, आप सुरक्षित रहिए। लेकिन देश को आज़ाद कराने का जज्बा और जुनून रामफल मंडल के सर पे छाया हुआ था, वो रुकने का नाम नहीं ले रहे थे और उन पर अंग्रेज़ों ने 5 इनाम देने की घोषणा भी किया था। इनाम के लालच में उनका दफादार मित्र शिवधारी कुंवर ने नशा खिलाकर उनको अंग्रेजी पुलिस से गिरफ्तार करवा दिया। घर का भेदी लंका ढाए, निश्चित तौर पर हमारे जो घर के जो भेदी थे उन्होंने ही, जो रामफल मंडल छुपे हुए थे नेपाल में, वहाँ सूचना दिए कि रामफल मंडल वहाँ छुपा हुआ है, उससे रामफल मंडल को गिरफ्तार करने में अंग्रेज सफल हुए। गिरफ्तारी के बाद उन्हें सीतामढ़ी कोर्ट में हाजिर करते हुए जेल भेजा गया। मुकदमा के पैरवी के लिए महात्मा गांधी के द्वारा बंगाल के जाने माने वकील CR दास एवं PR दास को भेजा गया, उनकी पैरवी करने के लिए। वकील साहब द्वारा उन्हें हत्या में शामिल नहीं होने का, झूठ बोलने का समझाया गया कि आपको अगर कोर्ट में पेश किया जाएगा तो बोलिएगा कि अनुमंडल पदाधिकारी या और जो अंग्रेजी सिपाही थे उनकी जो हत्या की गई उनमें उनकी भूमिका नहीं रही। लेकिन वो माने नहीं। जज CR सैनी द्वारा बार बार पूछने पर भी क्या रामफल
तुमने एसडीओ का खून किया है? उन्होंने कहा, हाँ हुजूर, पहला फरसा मैंने ही मारा है। इस प्रकार 3 दिनों तक झूठ बोलने के बार बार दबाव के बावजूद रामफल मंडल ने झूठ नहीं बोला और अपना जुर्म कबूल किया। उन्होंने वकील से कहा कि शहीद भगत सिंह ने कहा है कि विचारों की शान पर इनकलाब की धार तेज होती है, विचार अगर जिंदा रहेगा तो इनकलाब जिंदा रहेगा, एक रामफल अगर शहीद हो गया तो हजारों रामफल पैदा होगा। यही कहते कहते वे उनको अंग्रेज़ों ने फांसी की सज़ा सुनाई। तब जाके भादो महीना था, पहला मलमास 23 अगस्त 1943 ईस्वी को 4 बजे सुबह में भागलपुर सेंट्रल जेल में उन्हें फांसी दे दी गई और वे हंसते हंसते देश पे कुर्बान हो गए। ऐसे ही सपूत की कहानी को हम दर्शाने के लिए पहुँचे थे मधुबनी ज़िले के खोटोना प्रखंड के दुर्गी पट्टी पंचायत। और दुर्गी पट्टी पंचायत में आपको बता दें, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, यहाँ के जो सांसद हैं झंझारपुर के, उनकी पहल पे यहाँ आए थे और रामफल मंडल जी का जो मूर्ति का अनावरण किए थे और एक अच्छा यहाँ कार्यक्रम का आयोजन हुआ था। निश्चित तौर पर हम आपको बता देना चाहते हैं कि जो भी देश के जो वीर सपूत थे, जिन्होंने देश को आज़ाद करने में अपनी भूमिका निभाई, उनको चंदन है, बंदन है, उनका अभिनंदन करते हैं। और ऐसे सपूत को अगर याद रखने की ज़रूरत है, ऐसे सपूत से सीख लेने की ज़रूरत है, स्वाधीनता सेनानी को हम नमन करते हैं। दुर्गी पट्टी पंचायत के मुखिया जी हैं और रामफल मंडल जी का जो मूर्ति का अनावरण हुआ था, मुख्यमंत्री आए थे, सांसद की पहल थी, उस पर दो शब्द बताइए जी। 10 नवंबर 2023 ईस्वी को, 22 ईस्वी को जो रामफल मंडल जी मूर्ति का अनावरण किए थे, हमारे माननीय सांसद जी भी थे, हमारे माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार खुद आए थे और यहाँ मुख्यमंत्री का अनावरण, स्टैचू का अनावरण किए। स्थानीय सांसद दुर्गी पट्टी के ही हैं, झंझारपुर के सांसद रामप्रीत मंडल जी, उनको श्रेय जाता है इस काम में। जी जी जी, उन्हीं के द्वारा ये काम जो है सो रखा गया था। देश 74वां गणतंत्र दिवस मना रहा है, उस पर आप अपने पंचायत और अपने जिले वासियों को क्या शुभकामना दे रहे हैं? हम सारे पंचायत वासियों को और जिला वासियों को, प्रखंड वासियों को हम हार्दिक अपने तहे दिल से उनको हार्दिक अभिनंदन कर रहे हैं। जो झंझारपुर के सांसद शहीद रामफल मंडल जी का प्रतिमा का अनावरण करवाए थे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा, हम उनसे पहुंचते हैं और उनका भी मंतव्य लेते हैं। झंझारपुर के सांसद रामप्रीत मंडल जी के घर पे दुर्गी पट्टी, और सांसद जी से सीधे बात करते हैं कि सांसद जी, अमर शहीद रामफल मंडल जी का जो मूर्ति अनावरण आपने करवाया, उनका घर पड़ता है सीतामढ़ी जिले में, और क्या आवश्यकता पड़ी कि आपने पहल किया और दुर्गी पट्टी में उनकी मूर्ति का अनावरण हुआ? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को, जो आप इतने दूर से हमारे पास आए हैं, स्वागत करता हूं, धन्यवाद देता हूं। और कल आने वाले 26 जनवरी जो गणतंत्र दिवस हम लोग हर साल धूमधाम से मनाते हैं, आने वाले कल के लिए महान पर्व के उपलक्ष्य में सबसे पहले मैं आपको हार्दिक बधाई देता हूँ, शुभकामनाएँ देता हूँ। जहाँ तक आपने सवाल किया शहीद रामफल मंडल जी के बारे में, देखिए ये सीतामढ़ी के ही नहीं थे, पूरे भारत के शहीद हुए और पूरे भारत का आज़ादी के लिए उन्होंने अपनी जानों की कुर्बानी दी, अपने परिवार को छोड़ा और युवा अवस्था में उन्होंने अंग्रेज़ों की हत्या की कुल्हाड़ी से, क्योंकि उनका एक बहुत बड़ा सपना था कि हमारा देश किसी तरह आज़ाद हो और हम लोग जो अंग्रेज़ों के गुलाम बने हुए हैं उनसे किसी तरह से हमको निजात मिले, तो उनका एक सपना था। मैंने जब सीतामढ़ी वहाँ गया था बाजपत्री में, तो देखा कि वहाँ के लोगों ने बहुत उत्साह से उनका, चाहे जन्मदिन हो चाहे इनका जो पुण्यतिथि हो, मनाते थे। तो जब मैंने अपने आप को एक MP बन के, सांसद बन के उस एरिया में गए, तो मुझे भी एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई, क्योंकि मधुबनी ज़िला हम लोग
अति पिछड़ा वर्ग में धानुक जाति से आते हैं हम लोग। धानुक जाति का बहुत संख्या है और संख्या बल भी ज़्यादा है। और ये मैसेज हम देना चाहते थे कि पूरे हिंदुस्तान में बहुत सारे संस्थाएं लोग बनाया हुआ है, रामफल मंडल जी के नाम से कोई ट्रस्ट बनाया हुआ है, कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाया हुआ है, कोई कुछ बनाए हुए हैं हमारे हमारे समाज के लोग। तो मैंने सोचा कि इनका मूर्ति ला कर के जयपुर से, और अगर हम अपने गांव में उनका अनावरण करवाएंगे आदरणीय मुख्यमंत्री जी से, तो ये मैसेज पूरे बिहार में जाएगा, वो पूरे बिहार में अति पिछड़े वर्ग में भी जाएगा, हमारे समाज में जाएगा। और हमारे जो शहीद रामफल मंडल जी एक हमारे ही समाज के नहीं थे, पूरे हिंदुस्तान के नौजवान थे और शहीद हुए देश के लिए, तो एक मैसेज अच्छा जाने के लिए अच्छा गया भी है। तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने 10 नवंबर को आकर के और उस मूर्ति को अनावरण किए। और मैं चाहता हूँ, मेरा दिल्ली इच्छा है कि सहरसा, भागलपुर, मुंगेर, बेगूसराय और जहाँ भी हम लोग का अपने समाज का संख्या बल है, उनका प्रतिमा को अनावरण करवाऊँगा आदरणीय मुख्यमंत्री द्वारा। एक और हमारे समाज का एक बहुत इच्छा है, खास करके सीतामढ़ी वालों का, कि अभी जो मेडिकल कॉलेज बनने वाला है सीतामढ़ी में, तो सबों का दिल का दिल्ली इच्छा है और सबों को चाहत है कि स्वर्गीय हमारे जो शहीद रामफल मंडल जी के नाम से अगर मेडिकल कॉलेज बने, तो ये मैसेज और भी भविष्य के लिए, हमारे सरकार के भविष्य के लिए, चाहे जो भी सरकार हो। और अभी फ़िलहाल हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी से मैं इच्छा जाहिर भी किया हूँ और आग्रह भी किया हूँ, और वहाँ के सीतामढ़ी के लोग भी चाहते हैं कि शहीद रामफल मंडल जी के नाम से हॉस्पिटल हो। 20 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर आप जिले वासियों को, अपने संसदीय क्षेत्र के मतदाताओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं हमारे सम्मानित जनता जो झंझारपुर संसदीय क्षेत्र के हैं और साथ साथ हमारे मधुबनी जिला बिहारवासी या पूरे भारतवासी को, मैं जो कल होने वाला 26 तारीख गणतंत्र दिवस मनाए जा रहे हैं, हम लोग मनाने जा रहे हैं, उस शुभ अवसर पर मैं हार्दिक बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और आशा करता हूं कि हर साल की भांति इस बार ये लोग उमंग के साथ तिरंगा को, अरमानों के साथ चट्टानी एक साथ एकता के साथ मन लहराएँ फहराएँ और हमारे देश का नाम ऊँचा करें और मान सम्मान के साथ 26 तारीख को जो गणतंत्र दिवस है मनाएं। यही मैं शुभकामनाएं आपके माध्यम से हमारे सामान्य जनता को देना चाहता हूं।